वहीं सियासी दलों के दावे और वादे कुछ भी हों, मगर जनता ने अपना मन बना लिया है और वो मुद्दे चुन चुके हैं जो उनके मतदाता करने के लिए जो मतदान का आधार बनेंगे। देखिए चुनावी मैदान में पीलीभीत के मतदाताओं का क्या मूड है। गांधी परिवार का ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत किला माना जाता है और गांधी परिवार ने उसमें योगदान दिया। गांधी परिवार का ये अवैध किला माना जाता है। विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ उन्होंने कार्य किए हैं और उन्हीं का एक छत्र राज रहा। इस बार ना तो वरुण गांधी है ना मेनका जी है, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ऐसा मतलब देखिए कि इस समय तो मोदी जी माननीय और योगी जी की लहर चल रही है, तो भाजपा का ये पुराना किला है। माननीय मेनका जी और वरुण गांधी जी के ना रहने से प्रभाव तो है सीट पर, लेकिन चूंकि मोदी जी और योगी जी ने इतने कार्य किए हैं और उनका बहुत विशेष योगदान है, दोनों ही माननीय योगी जी की सभा हो चुकी है और मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, जिससे इस सीट को अवैधी कहा जाएगा। बीजेपी का बहुत अभेद दुर्ग है, इसको भेजना आसान है। पीलीभीत की जनता बहुत ही समझदार और होशियार है। 2009 में मैं भी प्रत्याशी रहा, मुझे छठे नंबर पर पहुँचाया उन्होंने अपने प्यार से, और निर्दलीय था मैं उस समय। आज बहुत माहौल बदल चुका है। हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गरीबों को खिलाएगा वो राज करेगा। खाने वाला वफादारी निभा रहा है, वो हर धर्म हर जाति को प्राप्त हुआ है इस डबल इंजन की सरकार में। अगर रोजगार या उद्योग की बात करें तो क्या यहाँ के मुख्य उद्योग हैं, क्या रोजगार है? देखिए यहाँ के मुख्य उद्योग तो कृषि है, लेकिन कृषि को लेके एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर उसका भाव कभी कभी नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा रोष रहता। शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत अच्छा है। और शिक्षा के स्तर के मामले में मैं आपको स्पष्ट कह दूँ कि आज के दौर में लड़कियाँ रात में 9:30-10 बजे अकेली ट्यूशन और कोचिंग से निकलती हैं और निर्भीक निडर होकर निकल रही हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले जो भी आपका प्रत्याशी है जिसको आप चुनना चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उससे? देखिए आने वाले प्रत्याशियों में जो भी भेजे गए हैं, फिलहाल इस वक्त जो सबसे दमदार हैं वो शाहजहांपुर वाले प्रत्याशी यहाँ पर जो आए हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं, उनकी बहुत बड़ी पकड़ है यहाँ। क्या उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ के विकास के लिए, या क्या कमी महसूस करते हैं पीलीभीत में जो उनसे उम्मीद करेंगे कि जीतने के बाद वो आपके पीलीभीत को? देखिए जहाँ तक मुझे उनके बारे में ज्ञान है या जानकारी है, वो ये है कि वो अपने घर से धनाढ्य हैं। जो धनाढ्य होता है वो जनता को लूटता नहीं है, जनता भी लुटाता है, इस आशा से लोग उनको वोट देते हैं।